आज की डेट में सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि निफ्टी 25,000 कब होने वाली है। सिंपल सी बात है कि अगर निफ्टी के की कंट्रीब्यूटर्स आप देखें तो वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की आउट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर निफ्टी को 22,000 23,000 के लेवल को पार करके 25,000 पे जाना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि निफ्टी 25,000 हो जाए और आपके इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स चले ना, क्योंकि उसका जो कंट्रीब्यूशन वेट है हमारे निफ्टी के अंदर वो इतना ज़्यादा है कि जब जब बैंक्स नहीं चलेंगे निफ्टी अपने लेवल पे जाके रुक रही है और वापस नीचे आ रही है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के अंदर जहाँ पे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर सबसे लीडरशिप पोजीशन में गिनती के चार पांच बैंक्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आपका HDFC बैंक, आपका कोटक बैंक, आपका ICICI बैंक, आपका एक्सिस बैंक, ये बैंक्स के अंदर आपको अगर पिक एंड चूज करना है तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी है इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग ETF में पैसा लगा के। रीजन बीइंग आपको ये नहीं पता कि आने वाले फ्यूचर के अंदर कौन से बैंक के अंदर रन अप आने वाला है, लेकिन एक चीज पक्की है कि अगर इंडिया का प्राइवेट बैंकिंग स्पेस चलना शुरू होगा तो सारे के सारे बैंक्स जो हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई बैंक 15% चले, कोई बैंक 10% पर चले, कोई बैंक 25% चले, लेकिन उसमें पिक एंड चूज करने से अच्छा अगर आप इंडिया की एक बास्केट पकड़े प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर तो शायद एक बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन बैंकिंग स्टॉक्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 1 साल 6 महीने के अंदर इंडिया के कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर आपने नोटिस किया है कि RBI ने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स की वजह से इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में 10-10, 15-15% की एक एक दो दो दिन में मूवमेंट आई है। अब आपको ऐसी वॉलिटिलिटी से अगर आपने आपको बचाना है और आपके माइंडसेट में ये चीज़ पक्की है कि आज हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पे खड़े हैं और हमारा गोल पीरियड है 40 ट्रिलियन इकोनॉमी पे लेके जाना इंडिया को, तो आपको क्लियरली एक बेट लेनी है, वो है इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। यहाँ बेट लेने से आपको एक चीज पक्का हो जाएगी कि आप एक तो क्लियर है कि अगर इंडिया ग्रो हो रहा है तो बैंकिंग सेक्टर का ग्रो होना इज 100% राइट, लेकिन आपको उस पूरी ग्रोथ रेट के अंदर एक चीज अगर कंफर्म नहीं है कि कौन सा बैंक मेरा सबसे तेज चलने वाला है, तो उससे बढ़िया वे है इन्वेस्टिंग का बैंकिंग ETF अगर आप पकड़ो। क्यों? क्योंकि इसमें आप अगर कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे तो सारे के सारे बैंक्स जो लीडरशिप पोजीशन में है जैसे कि HDFC, उनको एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन दिया गया है अपनी पूरी बास्केट के अंदर और पूरे बैंकिंग स्टॉक्स का भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन है। इससे ये हो जाएगा कि एक तो आपका रिस्क एलोकेशन टुवर्ड्स बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपका कैलकुलेट करके एक बैलेंस्ड ETF बन जाएगा, और इस ETF की खासियत ये है कि ये आपको आज की डेट में HDFC प्राइवेट बैंकिंग ETF के नाम से मिल जाएगा। गूगल पे आप चेक करेंगे, टिकर आपको सामने दिखाई देगा। इससे एक चीज क्लियर है कि आपने अपनी रिस्क प्रोफाइल को थोड़ा सा रिस्क एडजस्ट करके रिस्क अवर्स में चले गए, और एक चीज पक्की है कि जब अगर निफ्टी चलना शुरू होगी तो ये बैंकिंग ETF भी चलेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि निफ्टी 25,000 पे आ जाए और बैंकिंग स्टॉक्स ना चले। ये एक रूल आप लगाएं और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मेरे को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इंटैक्ट हो, बैंकिंग सेक्टर का चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो बैंकिंग ETF का होना आपके पोर्टफोलियो में एक वेल एडवाइज्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये करने से एक तो आपको चेक नहीं करना पड़ेगा हर 2 महीने के बाद कि कोई बैंकिंग स्टॉक के अंदर फिर नेगेटिव न्यूज़ आई और वो फिर से फॉल हो गया। इससे आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो वेट जो है वो रिस्क एलोकेशन करके वेल डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ये चीज़ें इसलिए मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ क्योंकि लोगों के दिमाग में हमेशा ये होता है कि हम कोई स्टॉक खरीदें और वो चल जाए। पॉसिबिलिटी इसमें राइट होने की बड़ी कम रह जाती है अगर आप किसी एक बैंकिंग स्टॉक पे स्क्यूड रहें। आपको पूरी की पूरी बास्केट देखनी है अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके बैठे हैं, और पूरी बास्केट का आंसर आपकी ETF इन्वेस्टिंग के अंदर सबसे बेस्ट लो कॉस्ट वे में आता है। थैंक यू।